हमारे बीच में पुष्पा विवेक जी भी हैं, जो इंजीनियर आरसी विवेक जी की जो धर्मपत्नी हैं, वो भी उनके कंधे से कंधा लगा के समाज की पीड़ा को देख रही हैं, और समाज की पीड़ा को देखते हुए इन्हें लग रहा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आप एक महिला होने के बावजूद आप इनका बराबर साथ दे रही हैं, तो आप समाज उठाने के लिए आप ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए? देखिए, समाज हमारा 2500 साल से बहुत एकदम गुलाम था दूसरों का, तो बाबा साहब हर एक ने अपने अपने समय में अपने संघर्ष किया। भगवान बुद्ध ने संघर्ष किया दलितों को ऊपर उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। न्याय की बात हर एक, ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया। उनके साथ में सावित्री बाई फूले थी, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए अपना स्कूल भी खोले, अपने आश्रय स्थल भी खोले, कुएं से पानी भी दिया। तो हमारे देश में कम से कम नहीं तो 50% आबादी महिलाओं की है, और आबादी अगर 50% महिलाओं की आबादी पीछे रह जाती है और 50% के बल पे देश को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, आज़ादी नहीं मिल सकती है, हम अपने विकास भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें उन महिलाओं को आगे लेके, 50% महिलाओं को आगे लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी हम आज़ादी की उम्मीद कर सकते हैं, तभी हमारा विकास भी होगा। और जो संविधान के अधिकार हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया था, और महिलाओं के लिए अलग से हिंदू कोड बिल बना के उनको 6 अधिकार अलग से दिए थे कि भाई हमारी महिलाओं को वो अधिकार मिलेंगे तो हमारी महिलाएँ घर से बाहर निकलेंगी, नहीं तो वह दोहरी गुलामी के तहत अपना जीवन यापन करती हैं। वह एक तो समाज की, सरकार की गुलाम होती हैं, समाज की गुलाम होती हैं, और दूसरा वो घरेलू व्यवस्था की भी गुलाम होती हैं। तो उन्हें घर में भी सिर्फ एक चूल्हा चौके तक ही सीमित करके रखा जाता है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक मैं महिलाओं के ऊपर उठाने के लिए काम कर सकती हूँ, मैं उनके साथ में काम करूँगी और उन्हें जागरूक करने के प्रयास करूँगी अपने लिटरेचर के द्वारा, अब उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनके बीच में जाने के द्वारा, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ में उनको हिम्मत बंधा के अपने उनके साथ में खड़ी रहूँगी, ताकि वह अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि संस्था का जो उनके साथ में प्रोटेस्ट होता है वह एक मजबूत प्रोटेस्ट होता है। अकेली महिलाएँ स्वयं भी अपने आप को कमज़ोर समझती कि भाई हम, उन्हें दिशा निर्देश नहीं होता कि वो कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, कैसे जाएंगी, हमें कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कल भी मैंने किसी से बात करी थी, कह रही हमें नहीं पता है 8वीं के बाद में कहाँ पे शिक्षा ली जाएगी, पत्राचार से कहाँ कैसे। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप पढ़ाई करो आगे जाके, तो आप कम से कम इस समाज से आप अपने पैरों पर खड़ा हो तो अपने परिवार को एक तो आर्थिक सपोर्ट होगा, दूसरा आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर सकेंगी, आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी। पुष्पा विवेक जी, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे इंजीनियर साहब हैं, आरसी विवेक साहब, सब महिलाओं को कोसते हैं। क्यों कि महिला को इसलिए कोसते हैं, और मैंने भी देखा है कि महिला आजकल आडंबर में ज़्यादा फंसी हुई हैं। वो आडंबर से हट जाएंगी तो उनका विकास हो जाएगा, वो आडंबर किस तरीके के हैं? ये आडंबर या श्रवण समाज के द्वारा फैलाए गए आडंबर हैं वह, क्योंकि एक महिला उठेगी तो वह अपने पूरे परिवार का और पूरे समाज के विकास में सहयोग करेगी, और आडंबर में उलझाए महिलाएं ही आडंबर को आगे तक पहुंचा सकती हैं। महिलाएं वाहक होती हैं हर एक चीज़ की, चाहे वो शिक्षा का वाहक हो, चाहे वो आडंबर की वाहक हो, चाहे किसी की भी। तो श्रवण समाज ने कुकुरमुत्तों की तरह गली के हर कोनों पर ये मंदिर और ये पूजा स्थल खोल दिए हैं, जिससे महिलाएं उसमें उलझी रहे हैं और अपने परिवार के जो आर्थिक वो होता है उनसे उसको भी सहयोग करती हैं। पंडित बैठ के खाता है, और ये उनके सोर्स ऑफ इनकम के साधन बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई महिलाएं समझें और ये अंधविश्वास को दूर करें। जब तक ये आडंबर में फंसी रहेंगी, अपना ना तो अपना विकास कर सकती हैं, ना समाज का, ना अपने परिवार का। विवेक जी, जैसे कि एक 10 रुपये की मूर्ति लाके, या मतलब एक ऐसा पेपर लाके उस पर एक करवा का एक फ़ोटो लगा के, वो जो महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिला भी हैं, कि उनसे अपने हस्बैंड की वो कामना करती हैं, फिर उसके 8-10 दिन बाद एक होली अष्टमी आती है, उससे भी कहते हैं हे देवी माई, उसको एक 10 रुपये वाली मूर्ति से वो कहती हैं मेरे बच्चों की उन्नति हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएँ। करवा चौथ पर कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की जो अच्छी उम्र हो जाए और अच्छे मतलब उनका सेहत हो जाए, क्या इनसे भला होगा? जी नहीं, ये अंधविश्वास फैलाया हुआ है लोगों का, और भ्रम फैला के नहीं है, ये
समाज को भ्रमित कर रहे हैं, और इस भ्रम को ही हमें दूर करना है अपने शिक्षा के द्वारा, अपने एजुकेशन के द्वारा, और अपने अपने जो आदर्श पुरुष हैं हमें उनकी जीवनी बता के भाई आपको संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान में आपके अधिकार हैं, आप उन अधिकारों को पाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारी जो सरकार आई है, जो बीजेपी की सरकार है, वह हमारे संविधानों को नष्ट कर रही है, सब महिलाओं के अधिकारों को, शिक्षा को नष्ट कर रही है। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे आप तन मन धन को जागरूक कर सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि ये अंधविश्वास हमारे सबसे अवनति का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाओं से यही है कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, और सरकार नौकरी नहीं देती है तो उन्हें उद्योग धंधों से जोड़ो। कम से कम उद्योग धंधों के द्वारा आप ना तो किसी के गुलाम रहेंगे, ना आप किसी की सेवा करेंगे, आपका अपना काम होगा, आपकी अपनी एनर्जी होगी, आप अपने जब मर्जी जा सकते हैं, और आपके अपने लाभ होगा, उस लाभ को आप अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो नौकरियों में आप जी हजूरी के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और उद्योग धंधों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें एजुकेशन के द्वारा ही मिल सकता है।